अभी तक आपने सुना होगा कि मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जाते रहे थे, लेकिन इस बार राजनेता भी इसकी चपेट में आ गए हैं। एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है जहां पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और पूर्व भाजपा विधायक नीलम लंकेह ने कई लाखों रुपए का बिल नहीं भरा। विभाग द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2020 और 21 में बिजली खरीद पर 6,317 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2019 और 20 में इसका बिजली बिल 6,772 करोड़ रुपए और 2018 और 19 में 6,058 करोड़ रुपए था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बकाए के भुगतान न करने पर जम्मू में कई लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए। बता दें कि यहां आजाद ने 4 लाख रुपए का बिल नहीं भरा है, वहीं लंकेह ने 1 लाख रुपए का बिल नहीं भरा है। इस पर कार्रवाई करते हुए विद्युत निगम ने कनेक्शन काट दिए। आदेश जारी करते हुए निगम ने कहा कि अब अन्य रसूखदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी कई बार बिजली निगम लोगों को बिल भरने का मौका देता रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल तीनों नेता जम्मू शहर के इलाके गांधीनगर के सरकारी आवास में रहते हैं और विभाग के सूत्रों ने कहा है कि उनका बकाया 2 लाख रुपए से ज्यादा हो गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि वो रजौरी पूंछ के दौरे पर हैं और उन्हें पता चला कि सुरक्षा गार्ड के कमरे की बिजली काट दी गई है। डीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद के पीए दिलनवाज ने कहा कि बिजली निगम ने गलती से आजाद के सरकारी आवास की बिजली काट दी थी, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। बिजली बिल का भुगतान संपदा विभाग द्वारा किया जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष बाद यदि हम अपनी स्वतंत्रता की समीक्षा करते हैं तो पता चलता है कि इस स्वतंत्रता का हमने कितना दुरुपयोग किया है। वर्तमान दौर में आम जनता भी यही सोचती है कि नेता अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क।